इस बीच बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त होगी। तो एक और ऐलान किया गया है, महिलाओं से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र अलग से तैयार किया जाएगा। बाकायदा ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने यह जानकारी दी है कि आपका हर दिन संघर्षों से भरा हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त रहेगी, फ्री रहेगी। तो 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, यह ऐलान पहले किया गया था। और स्मार्ट स्कूटी के साथ साथ स्मार्टफोन भी मिलेंगे। खासतौर पर महिला वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। और अब एक और ऐलान किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन जी जुड़ चुके हैं। सचिन रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, महिलाओं पर आप लोगों की भी अब नजर है, ये सुनने में तो बहुत अच्छी चीजें लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रियंका गांधी जी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को आगे आने के लिए योजनाएं बनाई थी। जिस तरह से राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण की बात की थी, 33% आरक्षण दिया, उसी की बदौलत आज विधानसभा और लोकसभा में महिलाएं सांसद और विधायक हैं। इसी तर्ज पे आने वाले विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि महिलाओं के लिए 40% भागीदारी विधानसभा की टिकट में होगी। और उसी के तर्ज पे जिस तरह से स्कूली जो छात्राएं रहेंगी उनके लिए स्मार्टफोन, फ्री स्कूटी का भी वादा किया था। कल गोरखपुर में प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए इस दिवाली के बाद जो अगली दिवाली आने वाली उसमें गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, साल में 3 सिलेंडर, और सरकारी बस की यात्रा फ्री करेंगे। तो आज जिस तरह से महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बात कांग्रेस पार्टी कर रही, इससे विपक्षी दल जो है वो बौखला दिख चुके हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे कर रही है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बातें कर रही है, तो कुछ विपक्षी दलों को इससे एतराज है। क्योंकि उन लोगों ने आज तक तो महिलाओं के लिए कोई काम किया नहीं। लगातार पिछले 4.5 सालों में देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर अपराध की संख्या बढ़ी है और इसीलिए ये कह रही है और जो पार्टियां हैं कि हमने बहुत पहले से ही काम किया है महिलाओं के लिए, लेकिन अब आपको याद आई है चुनाव के वक्त महिलाओं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी हमारे से जुड़ने के लिए।